सो शार्क टैंक इंडिया में ऐसा बहुत बार आता है कि एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, पिचर्स आते हैं अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट बिजनेस आइडियाज लेकर, कहीं ना कहीं शार्क्स को भी उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो पिच है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कन्विंसिंग लगता है, उनकी जर्नी से भी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं उसके बाद भी, जी हाँ, उसके बाद भी वो पर्टिकुलर पिच डील क्रैक नहीं कर पाता है। और इस बार की लेटेस्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो क्या हुआ इस लेटेस्ट एपिसोड में, ये सब जानने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, हेलो अमरीश, आई एम एंड यू आर वॉचिंग डीएनपी। फर्स्टली वेलकम बैक टू अवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। थैंक यू एंड आई एम बैक विद अनदर शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 अपडेट। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो लाइक आई सेड, इस बार का शार्क टैंक इंडिया का जो लेटेस्ट एपिसोड था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि दो सिस्टर्स, जी हाँ, दो बहनें अपना एक बिजनेस आइडिया, अपना पिच शार्क के सामने लेकर आईं, विच इज एक्चुअली अ ब्रांड बाय द नेम मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी। सो इसमें ऐसा खास क्या है, वेल लेट मी टेल यू, इट इज एक्चुअली अ लॉन्ड्री वेयर ब्रांड। बेसिकली ये नाइट सूट और नाइट वेयर बनाते हैं। तो नाइट वेयर बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा हट के एलिमेंट क्या है, वेल लेट मी टेल यू कि इसमें जो हट के एलिमेंट ये है कि जो उनके नाइट वेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं, एंड समथिंग जो आप रात को तो पहन ही सकते हो, प्लस अगर आपको बाहर कोई आउटिंग पे जाना है, यू नो, ब्रंच पे जाना है, आपकी डिनर डेट है, शॉपिंग पे जाना है, यू जस्ट वांट टू रन एरेंड्स, तो आप बाहर भी पहन सकते हो, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन हैं वो बहुत एलिगेंट है, क्लासी है, और आपको सिर्फ ये घर में ही पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाहर भी पहन सकते हो, यू नो, इन योर डेली वेयर अटायर। जी हाँ, सो उन्होंने जब अपना बिजनेस आइडिया शार्क्स के सामने रखा तो उन्होंने अपनी जर्नी भी बताई कि कैसे उनके जो डैड थे उनका भी एक अलग बिजनेस था, और वो बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं, उनका बिजनेस जो था, उनके डैड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बट जैसे ही GST इम्प्लीमेंट हुआ तो उनके जो डैड का बिजनेस था वो लॉसेस में चला गया और कहीं ना कहीं बंद भी हो गया। देन दैट वॉज द टाइम जब इन दो सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि ये अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे विद द नेम मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी। लाइक आई सेड, इट इज अ लॉन्च वेयर, एंड यू नो, वो रात को भी वो नाइट सूट्स भी बनाते हैं, साथ साथ उन्होंने छोटे और भी प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं, बीट बैग्स और स्लिंग बैग्स, लेकिन उनका जो मेन एक्सपर्टीज है वो है नाइट सूट्स, और वो बहुत ट्रेंडी है। अगर आपको पता होगा, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि उन्होंने बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए भी ये पर्टिकुलर अटायर्स बनाए हैं, चाहे वो प्रियंका चहर हो या तेजस्वी प्रकाश हो, जी हाँ, उन्होंने भी मिडनाइट एंजल्स के अटायर्स पहने हैं इन द शो। जी हाँ, उन्होंने बिग बॉस के अंदर ये जो पर्टिकुलर ये जो नाइट वेयर्स हैं उन्होंने पहने हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को उनके जो ट्रेंडी लुक्स हैं वो बहुत पसंद भी आए थे। तो जब इन दो सिस्टर्स ने, जैसे लाइक कमिंग बैक टू द स्टोरी, अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उनके डैड का बिजनेस बंद हो गया था, और एक टाइम ऐसा था कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बट जो थोड़ी बहुत उनकी सेविंग्स थी उसके बाद ही इन दोनों सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि यू नो, अपना ये ब्रांड स्टार्ट करेंगी। और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जब उनकी अच्छी मार्केटिंग हुई, एडवर्टाइजिंग हुई, और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट जब लोगों तक पहुँचने लगा, तो कुछ लोगों को उनका जो प्रोडक्ट्स थे, उनके जो नाइट वेयर्स थे, इतने ज़्यादा पसंद आए कि दो दिन में, जी हाँ, दो दिन में उनका 80,000 तक उनकी कमाई हुई। जी हाँ, विच इज़ एक्चुअली अ बिग थिंग फॉर देम। जब उन्होंने एक अपना फ़नी इंसिडेंट भी बताया कि कैसे जब उन्होंने पहले अपना ये स्टार्ट किया और जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो पहले उनके अकाउंट में पैसे आए, फिर उनकी बहन के अकाउंट में पैसे आए, फिर उनकी मॉम के अकाउंट में पैसे आए और डैड के। तो जब उनके डैड ने उन्हें कॉल किया, उन्होंने बोला कि एकदम से इतने पैसे कहाँ आ रहे हैं, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सच्चा कर रहे हैं, एंड हमें यकीन है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। जी हाँ, बट कहीं ना कहीं उनकी यू नो, इतनी अच्छी जर्नी सुन के, उनके ब्रांड के बारे में सुनकर भी शार्क्स ने, जो थे नमिता ने, विनीता ने, उनके जो पर्टिकुलर जो ब्रांड था या फिर उनके जो पिच था उससे बैकआउट कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि जो उनके नाइट वेयर्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं वन कंपेयर टू दी अदर्स। जी हाँ, क्योंकि अगर उनके एक सेट की बात करें, दैट वॉज फॉर अबाउट 1700-1800, और उनके थ्री पीसेस की बात करें तो कुछ सेट्स ऐसे भी थे जो 3000 से 4000 तक जा रहे थे, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी कॉस्टली। एंड जो कुछ शार्क्स का कहना था कि अगर आपको यही सेम चीज़, या इससे क्वालिटी पे बात नहीं करेंगे, बट अगर इससे सिमिलर चीज़ आपको 600-700 में बाहर मार्केट में मिल रही है, देन वी वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। जी हाँ, वेल उसके बाद अनुपम मित्तल ने एंड पीयूष मित्तल ने फाइनली अग्रीड, और उन्होंने उन्हें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया विद
20% इक्विटी। जी हाँ, जैसे हमें पता है पैसे थे 10 लाख और 20% इक्विटी थी, तो ये जो ऑफर था दोनों सिस्टर्स को पसंद नहीं आया। जी हाँ, मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी के ओनर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो डील थी वो बहुत कम में हो रही थी और वो इसके लिए राजी नहीं थे। बट देन इन दी एंड लोगों को उनका पिच और उनका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल था शार्क्स को प्लस ऑडियंस को बहुत पसंद आया और कहीं ना कहीं दे होप कि उनका जो बिजनेस है वो आगे और अच्छा हो, फ्लरिश हो। वेल, इस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया पर और मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट एंड शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी।